अपकमिंग फिल्म सलार में नजर आ सकती है दिशा पाटनी। क्या होने वाली है सलार की खास बातें, कब तक ये फिल्म रिलीज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे सलार की, जिसका ऐलान हाल ही में हुआ है। और सोचिए KGF डायरेक्टर प्रशांत नील इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, यानी कि साउथ के दो बड़े बड़े महारथी, एक डायरेक्शन की दुनिया के बादशाह, वहीं एक एक्टिंग की दुनिया के बादशाह हमारे बाहुबली प्रभास और प्रशांत नील एक साथ इस फिल्म में नजर आएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों के एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। साहो के बाद प्रभास के फैंस को खुश होने का मौका मिला था, अब जब ये ऐलान हुआ है तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें, अब खबर आ रही है कि प्रभास के बॉसेट इस फिल्म में आपको दिशा पाटनी नजर आ सकती है। सूत्रों से आई खबर की माने तो ये चर्चा जोरों से हो रही है, और एक बार हमें ये देखने को मिलेगी पहली बार ये स्क्रीन पर, ये जोड़ी कमाल कर देगी ये तो तय है। दिशा के फर्स्ट फ्रंट की बात करें तो वो राधे को लेकर बिजी है, और इसमें वो सलमान के अपोजिट नजर आने वाली है। इसके पहले वो फिल्म भारत में सलमान के साथ एक छोटे से रोल में नजर आई थी। दिशा पाटनी को लेकर मशहूर है कि वो कम समय के किरदार में अपनी छाप छोड़ जाती है, और ऐसा ही कुछ उस सलार में करती हुई दिखेंगी, जिसके बागी 2 में उनका किरदार कुछ ऐसा ही था। बात करें सलार की तो ये फिल्म 2021 में जनवरी महीने पर फ्लोर पर आएगी, और तब जाकर इसे शूट किया जाएगा, उसके बाद ये रिलीज होगी। हाल ही में इस फिल्म का ऐलान हुआ है। इसके ऐलान के साथ इस फिल्म से प्रभास का फर्स्ट पोस्टर भी शेयर किया गया था, जिसमें कि वो बंदूक के साथ नजर आ रहे थे, और पहले को लेकर कंफ्यूजन था कि इसका मतलब क्या होता है। फिर जाके प्रशांत ने बताया कि इसका मतलब होता है कमांडर इन चीफ, यानी कि कमांडर के रोल में नजर आएंगे इसमें प्रभास, और बाकी के स्टार कास्ट भी धीरे धीरे रिवील की जा रही है। आपको बता दें शादी कि इसमें बॉलीवुड से भी बड़ी बड़ी हस्तियां साथ में हो सकती है, और प्रभास का क्रेज कुछ ऐसा ही है दोस्तों कि सबको अट्रैक्ट करता है, और प्रभास के साथ अब हर एक डायरेक्टर और फिल्म मेकर और एक्टर भी काम करना चाहते हैं, और सब इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई है। इसीलिए एक के बाद एक फिल्मों की अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रभास। फिलहाल आपको बता दें कि सलार के अलावा वो आदि पुरुष में भी काम कर रहे हैं, उसकी शूटिंग वो जनवरी से शुरू करेंगे। तो कितना इंतजार है आपको सलार का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड रिव्यूज के लिए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए, किसी भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।